दोस्तों, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट या फिर ड्रीम इलेवन खेलते हैं तो आज के मैच से जुड़ी हर प्लेयर की अपडेट और बेस्ट टीम के लिए ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर दोस्तों आप फ्री में टिप्स और बेस्ट टीम देख सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका। भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है इंग्लैंड में होने वाले 3 ओडीआई मैच के लिए और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पूरा का पूरा स्क्वाड। डिटेल वाइज आपको पूरा स्क्वाड बताएंगे, यानी पहले बैट्समैन, उनके बाद ऑलराउंडर, स्पिनर और फास्ट बॉलर, ताकि दोस्तों आपको आसानी से जो है याद हो जाए पूरा का पूरा स्क्वाड। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले एनालाइज करते हैं स्क्वाड को। तो सबसे बड़ी जो यहां पर शॉकिंग न्यूज आई वो ये कि अजिंक्य रहाणे को इस टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। आपको बता दें कि जब इंडिया साउथ अफ्रीका गई थी तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था अजिंक्य रहाणे का। फॉरन में दोस्तों हमेशा से ही कमाल का परफॉर्मेंस रहता है रहाणे का, और यहां पर जो है अजिंक्य रहाणे को टीम में जगह नहीं मिली है। बहुत ही बड़ी खबर है ये कि अजिंक्य रहाणे जो है स्क्वाड में नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसे प्लेयरों की जिन्होंने आईपीएल 2018 के परफॉर्मेंस से टीम में जगह बनाई। तो दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े नाम है यहाँ पर, केएल राहुल, अंबाती राइडू और सिद्धार्थ कौल, 3 ऐसे खिलाड़ी दोस्तों जिन्होंने आईपीएल 2018 में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और वो जो है अब ओडीआई टीम में आ चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पूरे के पूरे स्क्वाड की, और सबसे पहले हम बात करते हैं बैट्समैन की। तो यहाँ पर बैट्समैन में सबसे पहले होने वाले हैं कप्तान विराट कोहली, उनके बाद शिखर धवन, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सुरेश अय्यर, अंबाती रायडू, एमएस धोनी और दिनेश कार्तिक। तो दोस्तों यहाँ पर 8 बैट्समैन है टोटल इस टीम के अंदर, जहाँ पर है 2 बहुत ही अच्छे कीपर दिनेश कार्तिक और महेंद्र सिंह धोनी। बात करें दोस्तों ऑलराउंडर की तो सिर्फ 1 प्रॉपर ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या। अब दोस्तों बात करते हैं स्पिनर की, तो 3 बहुत ही अच्छे स्पिनर युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव टीम में शामिल किए गए हैं। फास्ट बॉलर की अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह, सिद्धार्थ कौल, शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये है पूरा 16 मेंबर का स्क्वाड टीम इंडिया का, जो कि है 3 ओडीआई मैचेस के लिए। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा जो है स्क्वाड तैयार किया गया है, बहुत ही अच्छी यहाँ पर टीम लग रही है और आशा करते हैं कि दोस्तों टीम इंडिया जो है ओडीआई सीरीज जीत जाए। और दोस्तों आपको बता दें कि टेस्ट मैचेस के लिए भी टीम इंडिया का अनाउंस हो चुका है, T20 के लिए भी अनाउंस हो चुका है, और आप जो है पूरी की पूरी जो स्क्वाड है वो देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लग रहा है कि ये टीम जीत पाएगी इंग्लैंड से ओडीआई मैच, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।